ये पेड़ ये पत्ते ये शाखा है, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखा है भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, शनि को दंड नायक माना जाता है। शनि को कर्मों के अनुरूप दंड और पारितोषिक देने के लिए न्यायाधीश माना जाता है। हमारे जीवन में हम हर कदम पर कोई ना कोई गलती अवश्य करते हैं, हमारे जीवन में हम हर कदम पर कोई ना कोई ऐसा कर्म अवश्य करते हैं और इन्हीं कर्म दोषों को और इन्हीं कर्मों के दंडों को और इन्हीं कर्मों के दंड देने के लिए शनिदेव को नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर कर्म के लिए सजा ही मिले। यदि हम निश्चल भाव से किसी को सॉरी बोलते हैं तो कई बार हम दंड से बच भी सकते हैं। तो दंड नायक न्यायाधीश शनि से यदि क्षमा मांगनी हो तो कैसे मांगी जाए? हमारे कर्मों के लिए, हमारे दुष्कर्मों के लिए, सही शब्द होगा दुष्कर्म, हमारे दुष्कर्मों के लिए यदि हम शनि से क्षमा मांगना चाहते हैं तो कुछ उपाय आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही उपाय शेयर करने जा रहे हैं कि दंड नायक न्यायाधीश शनिदेव से आप किस प्रकार से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन उपायों के बारे में, उन तरीकों के बारे में जिससे आप शनिदेव से क्षमा मांग सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है शनिवार का। शनिवार के दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना है, सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाना है, काले रंग के वस्त्र पहन लेने हैं और फिर जाना है सीधा पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के पास जाएं, वहां पर जल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष को छूकर अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। एक दीपक वहां पर प्रज्वलित कीजिए और शनिदेव से क्षमा प्रार्थना कीजिए। शनिदेव अवश्य ही आपको क्षमा करेंगे। इसके अलावा शनिवार की संध्या के दिन आप एक उपाय कर सकते हैं। शनिवार की संध्या के दिन भोजन सामग्री, काले चने इत्यादि अपने साथ लेकर जाएं और गरीबों में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, जो भी भोजन आप तैयार करें उसे सरसों के तेल में ही तैयार करें, चने सरसों के तेल में ही तैयार करें और सरसों के तेल का दान करें। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको माफ़ करते हैं। किसी एक शनिवार के दिन आपको 108 शनि यंत्र अभिमंत्रित करके प्रत्येक यंत्र पर काली हकीक की माला से शनि मंत्र का जाप करना है। प्रत्येक यंत्र पर एक माला का जाप करना है। इस प्रकार 108 शनि यंत्रों को अभिमंत्रित करना है और जब सारे 108 के 108 यंत्र अभिमंत्रित हो जाएं, तो अपने सिर से 23 बार इसे घुमाना है और फिर इन 108 शनि यंत्रों को जल में प्रवाहित कर देना है। शनि यंत्र आप कागज़ पर भी तैयार कर सकते हैं, अपने हाथ से भी तैयार कर सकते हैं या फिर बाजार से छपे छपाए सीधे भी लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा नौकरी, व्यापार, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए शनिवार के दिन नित्य 4 बत्ती का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाकर आएं। 3, 5 या 9 परिक्रमा पीपल की अवश्य करें और शनिदेव से अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना याचना करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि से क्षमा प्रार्थना के लिए आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां मकान बन रहा है। मकान बनाने वाले मजदूरों को आप भोजन कराएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो शनिदेव से आपके लिए क्षमा याचना प्रार्थना करें। शनिवार से प्रारंभ करके आप 40 दिनों तक लगातार पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाइए और रविवार को छोड़ दीजिए। यानी आप 40 दिनों तक लगातार, यानी कि आप शनिवार के दिन शुरू करेंगे और 40 दिनों तक पीपल के वृक्ष को जल देंगे और रविवार के दिन ही उसे छोड़ देंगे यानी बंद करेंगे। ये कार्य सूर्य उदय से पहले आपको करना है, तभी आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे। मन ही मन में जल अर्पित करते समय शनि मंत्र का जाप अवश्य करें और किसी सार्वजनिक स्थान पर शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन एक पीपल का पौधा अवश्य लगा कर आएं। ये भी आपको शनि दोषों से मुक्ति दिलाएगा और शनि के प्रकोप से आपको बचाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान उपाय है। न्यायाधीश, न्याय के देवता शनिदेव से प्रार्थना करने का, न्याय के देवता शनिदेव से क्षमा याचना करने का यह
बेहद आसान तरीके हमने आपके साथ शेयर किए हैं, आप करके देखिए, निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।